सबसे बड़ी मशीन अगर खुदा ने बनाई, उस मशीन का नाम है इंसान। इतनी अजीम मशीन है कि यही इंसान इतने बड़े जहाज को कंट्रोल करता है, यही इंसान समंदर में हजारों टन वजन वाली कश्ती को कंट्रोल करता है, वो शेर जो दरिंदा है उस शेर को सर्कस में लाके इंसान खड़ा कर देता है, वो हाथी जो हजम के एतबार से इंसान से बड़ा है उस हाथी को इंसान कंट्रोल करता है, वो घोड़ा जो जिस्मानी ताकत में इंसान से ज्यादा है लेकिन इंसान उस घोड़े को कंट्रोल करता है। अब अफसोस की बात नहीं, जो इंसान घोड़े को कंट्रोल करे
हाथी को कंट्रोल करे, हवाओं में जहाज को कंट्रोल करे, समंदरों में सफीनों को कंट्रोल करे, जंगल के शेर को कंट्रोल करे, घोड़े और गधे को कंट्रोल करे, और इतना कमजोर हो जाए कि खुद को कंट्रोल न कर सके। कितना कमजोर हो जाता है ये इंसान, किस चीज के सामने ये गिर जाता है। एक तरफ तो तेरा ये पावर है कि तू चांद का सफर करने की ख्वाहिश रखे, तू मरीख पे जाने की ख्वाहिश रखे, लेकिन एक तरफ इंसान का मिजाज ही है, ये इतना कमजोर हो जाता है कि ये खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। यानी अपने बाहर जितनी चीजें हैं उनको कंट्रोल करता है, लेकिन इसके वजूद में जो सिस्टम है, इसके वजूद में जो कायनात है, उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। बाहर की कायनात पे तो हुकूमत करना चाहता है, लेकिन अंदर की जो कायनात है उस पर हुकूमत कौन करेगा। तो अब अल्लाह ये दावा दे रहा है कि इंसान, अगर तू दुनिया में आया है किसी हदफ और मकसद के लिए आया है। मैं मुख्तलिफ माशरों में आजकल घूम रहा हूं, तो डीपली स्टडी कर रहा हूं। आज एक मुसलमान की जिंदगी में और काफर की जिंदगी में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा। आप यूरोप चले जाएं, वहां के मुसलमानों को देख लें, इंग्लैंड चले जाएं, वहां के मुसलमानों को देख लें, अफ्रीका चले जाएं, पाकिस्तान में देख लें, एक हिंदू, एक क्रिश्चियन और एक मुस्लिम, इन तीनों की जिंदगी में अगर आप कोई डिफरेंस मुझे ला के दिखाएं वो क्या होगा। पहला डिफरेंस ये होगा, मौलाना हम मुहर्रम मनाते हैं वो नहीं मनाते। दूसरा डिफरेंस ये होगा, मौलाना हम मस्जिद जाते हैं वो चर्च जाते हैं। तीसरा ये बोलेंगे वो मंदिर जाते हैं हम मस्जिद जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, सुबह से शाम तक जो हम जिंदगी गुजारते हैं उस जिंदगी में उसकी और मेरी जिंदगी में फर्क क्या है। एक चाइना का बहुत बड़ा बिजनेसमैन कहता, मुझे आप मुसलमानों की समझ नहीं आती। क्या हुआ क्या है? कि जब ये चाइना आते हैं तो हम इनको खाने के लिए बोलते हैं, कहते नहीं हलाल फूड, हलाल खाना दो, हमें कुछ नहीं खाते, गोश्त नहीं खाते, ड्राई फ्रूट खाते हैं, फल पौधे खाते हैं, ये चीजें खाते हैं। हमने कहा क्यों नहीं खाते? कहा नहीं, हमारे दीन में मना है हलाल खाना है। और दूसरी तरफ हमें ऑर्डर देते हैं कि भाई 5000 शर्ट प्रिंट करो और उसके पीछे लिखो मैडम तुर्की, या कहते ये चीज हमें तुम्हारे दीन की समझ नहीं आती। एक तरफ हलाल गोश के पीछे और जो शर्ट छपा रहे हो उसके पीछे तुम गलत नाम लिखवा रहे हो। क्यों? क्योंकि हमने दीन समझा ही नहीं। हमारा दीन खाने पे आके खत्म हो जाता है। दीन ये है कि भाई निकाह किससे पढ़वाना है, मौलवी शिया हो या सुन्नी हो, ये झगड़ा होता है। जनाजा शिया पढ़ाएगा सुन्नी पढ़ाएगा, ये झगड़ा होता है। और शियों में आ जाओ तो तकसीम हो गई। नमाज जनाजा कौन पढ़ाएगा, विलाई मौलवी हो गैर विलाई मौलवी हो। बात यहां, यानी यहां तक हम शिया हैं। जब जनाजा कब्र में उतरता है वो याद आता है, निकाह के वक्त मौलवी याद आता है, लेकिन निकाह के बाद तुम जिंदगी कैसी गुजार रहे हो, तुम्हारे बच्चों की जो लाइफ स्टाइल है उसमें और एक काफर के लाइफ स्टाइल में क्या फर्क है, तुम्हारे सोचने के तरीके में और एक काफर के सोचने के तरीके में क्या फर्क है। एक ये जवान है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, एक वो जवान है जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं कहा, तो इसके ला इलाहा इल्लल्लाह में और उसके ला इलाहा इल्लल्लाह में फर्क क्या है? फर्क यह है, उसने कहा नहीं, इसने कहा है, लेकिन जब लाइफ स्टाइल देखी जाती है तो दोनों का लाइफ स्टाइल सेम है। जो उसे चाहिए वो उसे चाहिए, उसको भी आईफोन चाहिए इसको भी आईफोन चाहिए, उसको भी बड़ा घर चाहिए इसको बड़ा घर चाहिए, उसको भी ब्रांडेड कपड़े चाहिए इसको भी ब्रांडेड कपड़े चाहिए। तो तुम दोनों की डिमांड्स तो सेम है, तुम दोनों की ख्वाहिशें तो सेम है, फिर तुम्हारे ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में और उसके ला इलाहा इल्लल्लाह कहने में क्या फर्क है? तुझे भी एक लग्जरी लाइफ स्टाइल चाहिए, उसे भी एक लग्जरी लाइफ स्टाइल चाहिए। उसकी पूरी जिंदगी सेल्फिशनेस के निजाम पर खड़ी है कि बस मैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी जिंदगी। और तुम्हारी भी यही सोच है, मैं, मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी जिंदगी। फिर फलसफे करबला का क्या होगा? करबला ने सेल्फिशनेस को आकर खत्म कर दिया। हुसैन ने कहा, न मैं, न मेरे बच्चे, न मेरे जल्दी। हुसैन आया ही इसीलिए कि हुसैन कुर्बान हो उम्मत को वफा में। ये फलसफा उसे मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब ये नहीं कि बंदा जबान से कहे,
ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यह है तू कायनात को किस निगाह से देख रहा है। देखिए मुख्तलिफ ऐनक है ना, अगर आपने भी वही ऐनक लगाई है और काफर ने भी वही ऐनक लगाई है, कायनात वैसे ही नजर आएगी जैसे काफर को नजर आती है। लेकिन अगर आपकी आंखों पे हुसैनी ऐनक हो, इब्ने साद की आंखों पे यजीदी ऐनक थी, हुर की आंखों पे हुसैनी ऐनक थी, जब कायनात को हुसैन की निगाह से देखोगे फिर अमल भी वही करोगे जो इमाम हुसैन करते थे। लेकिन नाम हो ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन निगाह वही हो जो यजीद की निगाह हो, वो ला इलाहा इल्लल्लाह तुझे फायदा नहीं देता। हमें कायनात को देखने का तरीका बदलना है, हमें घरों को देखने का तरीका बदलना है। आज हर इंसान यही चाहता है मेरे बच्चे पढ़ जाएं, अच्छे स्कूल में जाएं, अच्छी यूनिवर्सिटी में चले जाएं, अच्छी जॉब मिल जाए, बच्चा डॉक्टर बन जाए, बच्चा इंजीनियर बन जाए। तभी रसूल खुदा फरमाते हैं जब बच्चों के दरमियान से गुजरते हैं, असहाब ने कहा या रसूल अल्लाह आपके चेहरे पर उदासी क्यों आ गई? फरमाते हैं मैं आखिरी जमाने की उम्मत के बच्चों को देख रहा हूं। या रसूलल्लाह इसमें उदासी की क्या बात है? पर मैं उनके बच्चों को देख रहा हूं जिन्होंने अपने बच्चों को कलमे तो पढ़ा दिए लेकिन जिंदगी ऐसे ही गुजारेंगे जैसे यहूद और नसारा गुजारते हैं। ज़बान पे अल्लाह का नाम तो होगा लेकिन जिंदगी के दोनों तरीके भी होंगे। तो जो निगाह इमाम हुसैन की कायनात पे थी, जब तक हमारी निगाह कायनात के लिए वो नहीं आती तब तक हमारे एक्शंस नहीं बदलते, और जब तक एक्शन नहीं बदलेंगे तब तक तुम्हारे इमोशंस नहीं बदलेंगे। तो जब तक सोच इमाम हुसैन वाली ना हो तब तक तुम्हारे आमाल भी इमाम हुसैन वाले नहीं होंगे। देखिए जनाब ज़ुहैर इमाम हुसैन से दूर दूर खेमा लगा रहे थे, अपने गुलामों को कहा दूर से देखो ना हुसैन का खेमा है, मेरा खेमा दूर लगा देना, मैं नहीं चाहता मेरा खेमा हुसैन इब्न अली के साथ लगे या मेरा मुकाबला इमाम हुसैन के साथ हो जाए। अब सुफरे पर बैठा है, बीवी इसकी बड़ी नेक थी, खाना भी खाना चाहता था। आवाज आई ज़ुहैर अना बरीउल हुसैन, मैं हुसैन का कासिद हूं, पैगाम आवर हूं। अब सोच रहा था करूं तो क्या करूं, जाऊं या ना जाऊं, इतनी दूर हुसैन से भागा भागा गया लेकिन फिर भी हुसैन मुझे बुला रहे हैं। अब सोच ही रहा था, इसकी बीवी बड़ी नेक थी सादिया थी, फरमाए ज़ुहैर सोच क्या रहे हो, ज़हरा का लाल बुला रहा है और तू लुकमे खा रहा है और तू सोच रहा है, अरे सैयदा शबाब अहले जन्नत बुला रहा है, ये भी सोचने की बात है। खड़े हो जाओ ज़ुहैर, जाओ हुसैन से मिलो, मिलने में कोई कबाहत नहीं है। अब ज़ुहैर कदम उठाता है, मौला के खेमे में जाता है। आज तक तारीख को यह नहीं पता इमाम हुसैन ने इसको कहा क्या, बताया क्या, तो कौन सी गुफ्तगू हुई कि ज़ुहैर यहां से वहां चल गया। बीवी को कहा तुझे तलाक देता हूं, घर माल दौलत ज़रात सारी मैंने तुझे बख्शी। अब ज़ुहैर की जिंदगी का मकसद यही है कि हुसैन इब्न अली के साथ रहे। इतनी तब्दीली कि एक दिन में सब कुछ छोड़ दिया और इमाम हुसैन की तरफ चला गया। उलमा से पूछा गया क्या कहा होगा इमाम हुसैन ने, पर बात इमाम ने वही किया जो हर इमाम का काम होता है। इमाम का काम क्या होता है, कहते तुम गाड़ी चलाते हो ना, गाड़ी के शीशे पे धुंध आ जाती है और फिर क्या करते हो वाइपर लगाते हो, जैसे धुंध साफ हो जाती है वहां से पानी मिट जाता है तो तुम्हें रास्ता क्लियर नजर आता है, सिरात क्लियर नजर आती है, रोड क्लियर नजर आता है। पर इमाम का काम यही है, जब इंसान के दिल पे गुबार चढ़ जाता है इमाम बस इमामत का वाइपर चलाता है, तो गुबार जैसे मिट जाता है बंदे को हिदायत का रास्ता नजर आने लगता है। तो का जो गुबार चढ़ा हुआ था मौला हुसैन की एक महफिल में, वो गुबार उसके दिल से क्या हो गया, उतर गया। हमारी जिंदगियों में वो गुबार चढ़ा हुआ है, वो चीज नजर नहीं आ रही जो परवरदिगार आलम हमें दिखाना चाहते हैं। सरवर पड़े मोहम्मद व आलम। बड़ी अमानत जो खुदा ने कायनात वालों को दी, पर मैं दो अमानतें फकलैन, दो वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूं, किताब अल्लाह व इतरती अदब है। पहली अमानत मेरी किताब है, इसी किताब से तुझे हिदायत मिलेगी। तो यही किताब कहती है, कुछ लोग ऐसे हैं जो कुरान पढ़ते हैं पर कुरान उन पर लानत करता है। ईरान के बहुत बड़े आलिम दीन बेटे के ख्वाब में आए, फरमा बाबा कब्र की पहली रात कैसी थी? तो कहा कि मेरे लाल अपना भी वाक्य सुनाता हूँ, किसी और का भी सुनाता हूँ। मेरी कब्र के साथ एक और
अहले बैत का जाने वाला, वो भी दुनिया से गया। कमे उसका आलम देख रहा था जब मलाइक उससे पूछ रहे थे कि बता तुम्हारी किताब कौन सी है, कहा कुरान। कब फिर उसे पूछा पता किताब कौन सी, उसने कहा कुरान। कब फिर मलाइकों ने मारा और पूछा बता तुम्हारी किताब कौन सी, कहने का कुरान ही तो है। कहा तू कह रहा है तेरी किताब कुरान है, पर तूने जिंदगी में कुरान को माना ही नहीं था। फिर पूछा तुम्हारा इमाम कौन है, जिसने अली इब्न अबी तालिब। कहा फिर मलाइकों ने दोहराया बता तुम्हारा इमाम कौन है, कहता कई बार बता चुका लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। जब पूछा मान क्यों नहीं रहेगा, इमाम को होता है जो आगे चले, मामूम को होता है जो उसके पीछे चले। यहां पेश इमाम जब कहलाते हो वो ये मौलाना पेश इमाम है, क्या मतलब, जमात तब तक जमात रहती है जब तक तुम इमाम जमात को फॉलो करो। इमाम जमात रुकू में गया और मैं उससे पहले खड़ा हो जाऊं तो जमात खराब हो जाती है, उससे पहले सजदे से खड़ा हो जाऊं जमात खराब हो जाती है। जब वो रुकू में जाएगा फिर तू रुकू में जाएगा, जब वो सजदे में जाएगा फिर तू सजदे में जाएगा। अगर तूने खुद किया तो ये फुरादा हो जाएगा, इमामत से बाहर खारिज हो जाएगा। पर मैं अगर अली तेरा इमाम है लेकिन तेरी जिंदगी के आमाल से तो ये नहीं लगता कि तूने अली को इमाम माना, तो वहां जब कहा जाएगा किसी बच्चे ने कहा मौलाना ये कैसा एग्जाम है, मैंने कहा कैसा, कहा कि दुनिया की ना कोई यूनिवर्सिटी ऐसी ना कोई स्कूल ऐसा जिसमें पर्चा लीक हो जाए। कहीं अल्लाह अजीब है पर्चा लीक कर देता है, किस माँ बाप हम सुन और समझ तो सही ये पूछा जाएगा। सादा सा मोमिन कहता मैं भी जवाब रट लूंगा और मुनकर नकीर को बता दूंगा, क्योंकि पहले से मौलवी ने रटवा दिया था मुझे कि जब पूछा जाएगा बता किताब कौन सी, कहूंगा कुरान, इमाम कौन से, 12 नाम तो हमने रट दिए। वहां पे पूछा नहीं जाएगा, तुम्हारा अमल बताएगा तुम्हारा इमाम कौन था, तुम्हारा अमल बताएगा तुम्हारी किताब कौन थी। अब जब बेटे ने इस आलिम से पूछा कि बाबा आप बताइए आपका हाल क्या था, कब मेरे लाल जब मुझसे पूछने लगा ना कि बता तुम्हारा इमाम कौन है, कब उसके सवाल में इतनी दहशत और उबूहत थी, मैं खौफ मेरे ऊपर तारी हो गया। वहां पे मैंने दिल ही दिल में कहा कि मौला तू तो जानता था कि मेरा इमाम कौन है। कब मेरे लाल में कहना ही चाहता था, पीछे से इमाम रजा शरफ याब हुए और उसने कहा इसका इमाम मैं रजा हूं। जब वाकई तेरा इमाम अली इब्न अबी तालिब हो, जब वाकई तूने इमाम को फॉलो किया हो, तो फिर तुझे जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती, अहले बैत खुद आकर जवाब देते हैं। तो इंसान को सोचना चाहिए सबसे पहला सवाल जो हर इंसान खुद से करे कि कायनात की इतनी बड़ी मशीन जो खुदा ने बनाई कि फरमाया सत्तर लखों माफ समावाते व माफ लाज, पूरी कायनात को है जवाब है मोमिन मैंने तुम्हारे लिए मुसक्कर किया, यानी ये चांद ये सूरज किसके लिए बने, मेरे लिए बने, ये चरण दो परम किसके लिए बने, मेरे लिए बने, एक महीने में नहीं एक साल में हजार हाँ बकरे जबा हो जाते हैं, किसके लिए जबा होते हैं, तेरे लिए जबा होते हैं, ये जमीन इतनी गंदम निकालती है किसके लिए निकालती है, तेरे लिए निकालती है, ये पूरा निजाम शमसी ये बादल नमकीन पानी समंदरों से उठा के पूरी मशीनरी के तहत उसे मीठा करके फिर जमीन के ऊपर तेरे लिए फेंकते हैं, यानी इतना बड़ा सिस्टम अल्लाह ने बनाया। कुरान कहता है पूरी कायनात मैंने तेरे लिए बनाई, लेकिन ऐ मेरे बंदे एक वजूद ऐसा है जिसे मैंने अपने लिए बनाया है, वो किसका वजूद है, ऐ इंसान वो तेरा वजूद है। अब इतनी बड़ी मशीन अल्लाह ने बनाई किसके लिए बनाई, ताकि हम शहवत रानियां करें, इसलिए बनाई ताकि हम यहां पर आके मिलियनर बने बिलियनर बने, इसलिए बनाई ताकि यहां पे हम सो सो आके घर बनाएं, इसलिए बनाई ताकि हम 10-10 गाड़ियां रखें, इसलिए बनाई ताकि हम लग्जरी लाइफ स्टाइल अपना बनाएं। ये चीजें हराम नहीं है, लेकिन जिंदगी में तुझे इसलिए नहीं बनाया था, अगर इसलिए बनाया होता तो खुदा कुरान में कहता फिरौन कामयाब है निमरूद कामयाब है जिसने बेतहाशा दौलत जमा की, लेकिन अल्लाह कुरान में अगर किसी को कामयाब बताता है तो इब्राहिम को कामयाब बताता है, मूसा को कामयाब बताता है, अगर खुदा करबला में किसी को कामयाब बताता है तो इब्ने साद को कामयाब नहीं बताता, जनाबे हुर को कामयाब बताता है। अब वो कामयाब क्यों हुए, क्योंकि वो दुनिया में आने का मकसद समझ चुके थे। अब 5 मिनट के आपसे मैं एक सवाल करता हूं, फिर बताता हूं कि हमें दुनिया में आकर करना क्या था और हम किस काम में मशगूल हो गए। एक काफर एक क्रिश्चियन से पूछते हैं कि भाई दुनिया में आके आपको क्या करना है, उसकी सारी प्लानिंग जो होती है वो 60 साल की होती है, मैक्सिमम 8 ईयर्स। पहले जॉब की तलाश, बिजनेस को स्टेबल करे,
ذہنیت یہ ہوتی ہے 50-45 سال تک کام کریں گے، مال جمع کریں گے، اس کے بعد ریٹائرمنٹ، بڑھاپا، اور اس کے بعد جو پیسہ کمایا ہے اس سے مزے کریں گے، کبھی ادھر گھومیں گے، کبھی ادھر گھومیں گے، کبھی ترکی کا، کبھی یورپ کا، کبھی امریکہ کا، کبھی سوئٹزرلینڈ کا ٹور لگائیں گے۔ آپ کا بھی ہم یہی ہے؟ اگر یہی ہے تو پھر ایک کافر کی سوچ میں اور علی والے کی سوچ میں فرق ہے۔ اگر میرا دنیا میں آنے کا اہم یہ، میں پیدا ہوا، جوان ہوا، نوکری کروں، شادی کروں، 4 بچے پیدا کروں اور اس کے بعد مر جاؤں، اس لیے اللہ نے پیدا کیا تھا، یہ ہدف ابس نہیں لگتا آپ کو کہ اتنی کائنات کی انرجی لگا کے یہ کام کروایا جائے انسان سے کہ تو اس لیے آیا، 2 بچے پیدا کرے، شادی کرے، 4 گھر بنائے، گاڑی لے، پھر انا للہ و انا الیہ راجعون، تو کوئی بڑا ہدف تو نہیں ہے۔ اس طرح پہ بکری بھی آتی ہے، کھاتی ہے، پیتی ہے، سوتی ہے، اٹھتی ہے، مرتی ہے، چلی جاتی ہے۔ اس طرح تو ایک مچھر بھی دنیا میں آتا ہے، گھومتا ہے، پھرتا ہے۔ اس طرح تو یہ پرندے، یہ کوے بھی آپ دیکھ رہے ہیں، آتے ہیں، گھومتے ہیں، سیر و شراب کرتے ہیں، میل و ملاب کرتے ہیں، اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ یہ مقصد زندگی تھا، اس کے لیے خدا نے تجھے پیدا کیا۔ یہ تو بالکل ایسے ہے کہ ایک بندے کو اپنے آفس کا حساب و کتاب کرنا ہو اور اس کے لیے کمپیوٹر لے کوئی 15-20 لاکھ کا، تو دنیا کیا بولے گی؟ تم نے ہائی ڈیفینیشن والا کمپیوٹر لیا جو مکسنگ کے لیے، گرافک کے کاموں کے لیے تھا، اور کام اس سے کیا لے رہے؟ ایک ای میل کرنا ہے، ایک ای میل آنی ہے اور اس کو پرنٹ کرنا ہے، اس کے لیے تو 50,000 کمپیوٹر تو لے لیتا۔ اگر شادی کرنا، اولاد پیدا کرنا، مال جمع کرنا، گھومنا پھرنا ہوتا تو خدا ہمیں کیوں پیدا کرتا؟ گدھے کافی تھے، گھوڑے کافی تھے، پرندے کافی تھے، نہ پاسپورٹ کی ضرورت، نہ ویزا کی ضرورت، آسٹریلیا کے یہاں آ جاتے ہیں، یہاں کے وہاں چلے جاتے ہیں، پھر ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اس مقصد کے لیے کم کھائیں پیئیں اور شہوت رانیاں کریں اور بعد میں چلے جائیں۔ ہفتہ ہفتہ پہلے پلان کرتے ہیں کس ہوٹل میں جا کے کھانا کھانا ہے، ایک ایک سال پہلے پلاننگ ہوتی ہے کس ملک کی سیر کرنی ہے، پورا پورا سال پیسے جمع کیے جاتے ہیں۔ کبھی سوچے تو صحیح تو نے اتنا مال جمع کیوں کیا؟ کہیں سوچے تو صحیح ہے ساری چیزیں گھومنے کے بعد تجھے ملا کیا؟ ایک ہی بندہ ہے جو درخت کو دیکھ کے خدا تک پہنچتا ہے، لیکن ایک وہ بندہ ہے جو درخت سے خدا تک نہیں پہنچتا۔ ایک ہی بندہ ہے جو امام حسین سے ملنے کے بعد حور بن جاتا ہے۔ دوسرا وہ ہے جو پوری زندگی رسول کے ساتھ رہنے کے بعد بھی قاتل زہرا بن جاتا ہے، کیونکہ سوچ نہیں، کیونکہ غور نہیں، کیونکہ فکر نہیں۔ الذین یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو فکر نہ کرے اس مومن کا کوئی فائدہ نہیں۔ کیونکہ مومن سے میں نے پوچھا آپ کیا کر رہے ہیں، بولا نا کچھ بھی نہیں، ریلیکس۔ کیا مطلب ریلیکس؟ پیسہ کما لیا، گھر بنا لیا، گاڑی آ گئی، اب ریلیکس کے دن نہیں۔ وہ علی والا ہو ہی نہیں سکتا جو زندگی میں ریلیکس ہو جائے۔ یہاں تو کام کرنے آیا ہے، یہاں تو محنت کرنے آیا ہے، یہاں تو بہت بڑا اہم لے کر آیا ہے، یہاں تو ابدیت بنانے آیا ہے، یہاں تو قیامت کو کریٹ کرنے آیا ہے، یہاں تو عالم برزخ کو بنانے آیا ہے۔ اب اسے کیا پتا کہ برزخ کیا ہے؟ کیونکہ مولوی نے نہیں بتایا۔ ہمارے یہاں جنت کا کانسیپٹ کیا ہے؟ حوریں ملیں گی، اچھا، اور شہد کی نہریں ہوں گی، اور باغات ہوں گے۔ اب یہ چیزیں ایک انگریز کو بتاؤ، ایک مالدار کو بتاؤ، وہ کہے گا ساری تو مجھے یہیں مل گئی۔ اب اس چکر میں میں نمازیں پڑھوں، اس چکر میں میں حج کروں کہ وہاں مجھے ایک باغ ملے گا، تو میرے پاس وہ پیسہ ہے، میں زمین کا کوئی جزیرہ لے لوں۔ اچھا، ہورے ملیں گی، ہورے کیا بڑی خوبصورت ہیں، سفید ہیں، چمڑی ایسی ہے، پانی پئیں گے تو گلے سے پانی اترے گا، نظر آئے گا۔ اچھا، کہے گا میں مالدار ہوں، دنیا کی حسیناؤں کو خرید سکتا۔ کتنی کنیزیں تھیں یزید کے پاس، یہ عثمانی حکومت، 1,000-1,000 کنیزیں، 2,000-2,000 کنیزیں، یعنی سال میں ایک دن ایک بیوی کے پاس بھی جائے پھر بھی پورا نہیں ہوتا تھا بندہ، پھر بھی باقی رہ جاتی تھی۔ 2,000-2,000 کنیزیں ایک ایک بادشاہ کے پاس، تو اس کے لیے تصور جنت کیا ہے؟ کہ دودھ کی نہریں، اچھا میں گھر میں سوئمنگ پول بنا دوں، سارا دودھ ڈال دوں اس میں، شہد کی نہریں، ساری شہد ایک سوئمنگ پول میں جمع کر دوں۔ ایک غلط کانسیپٹ ہمیں دیا گیا ہے کہ نہر کے پیچھے تھے مولا علی، اتنی بڑی کربلا امام حسین نے وفا کی۔
अकबर की कीमत ज्यादा है या हूरों की कीमत, शहद की कीमत ज्यादा है यानी असगर की कीमत, असगर इस जन्नत के लिए इमाम हुसैन कुर्बान कर रहे हैं, जनाब अली असगर को नहीं मिल रही है। हदफ खिलकत बहुत बड़ा है। एक तो तुम्हें वहां की लज्जतों का अंदाजा ही नहीं, क्योंकि हम हर चीज को दुनिया से कंपेयर करते हैं, वहां के हुस्न को दुनिया से कंपेयर करते हैं, वहां की लज्जत को दुनिया से कंपेयर करते हैं। एक जुमला सिर्फ मौला अली का सुन लेना, मौला फरमाते हैं दुनिया में तो जब तुम एक सेब आप खाते हो, सेब से आपको कितने मजे मिलते हैं, भारत का सलाम, में जो चीज तुम खाते हो कितने मजे लेते हो, मैक्सिमम एक फल से एक फ्रूट से कितने मजे आते हैं आपको, मैक्सिमम आते दो मजे, एक सेब होगा तो मीठा भी होगा साथ में थोड़ा सा खट्टा भी होगा, ये शायद कोई ऐसी चीज हो मीठी भी हो खट्टी भी हो थोड़ी नमकीन भी हो। अब मौला का जुमला सुनिए, इमाम फरमाते हैं दुनिया में जब तू एक फल खाता है इसमें मैक्सिमम एक या दो मजे होते हैं, मिनिमम मजे होते हैं। फरमाया आलम बरज़ख में जब तू एक फल खाएगा तुझे 50,000 मजे आएंगे। कितने मजे? 50,000। मैंने पिछले साल आपको बताया था कि जन्नत हूरों के लमा का नाम नहीं है। जब बंदा आशिक हो जाए ना तो फिर खाना पीना ये चीजें उसके लिए वैल्यू नहीं रखती। कहता है मेरा माशूक मेरे पास, मेरा महबूब मेरे पास। जब बाप को बेतहाशा बच्चे से मोहब्बत हो जाए ना, माँ को हो जाए ना, वो हर चीज भूल जाती है, तकलीफ भूख नींद, बस बच्चा सही सालम रह जाए। फरमाते जब तू आशिक खुदा नहीं बनेगा, इश्क खुदा तेरे मुझे नहीं आएगा, और दुनिया तुझे कुछ भी दे वो महदूद है, खालिक दुनिया अगर तुझे मिल जाए तो वो मिले तो तेरी लज्जतें भी लाजमी हो जाती। अब एक आपको मिसाल दूंगा ताकि आप उस मिसाल को महसूस करें, तफसील इंशाअल्लाह कल ले जाऊंगा ताकि मुकदमा आपके जहन में बन जाए। मौला अली का एक जुमला है, 99% लोगों को ये पता ही नहीं हम दुनिया में आए क्यों, मरने के बाद याद आता है हम क्यों गए थे। मौला फरमा के इंसान एक ऐसा मुसाफिर है जो सफर पर गया है लेकिन उसे ये नहीं पता मुझे वापस पलट के घर आना है, और उस सफर में इतना मगन हो जाता है कि भूल ही जाता है मैं आया क्यों था। यहां से आपको करबला भेजा जाए और आप करबला के होटल में रुके, वहां पे बिस्तर भी मिले, बर्तन भी मिले, एसी भी हो, पंखा भी हो, सब चीजें हो, अब बंदा एक हफ्ता रहे वहां पे और ये भूल जाए मुझे वापस जाना, और जाते जाते के बर्तन भी लेकर जाऊंगा कंबल भी लेकर जाऊंगा, तो होटल वाले कहेंगे भाई साहब आप यहाँ पे किराए पर रहने के लिए आए थे, ये चीजें आपकी नहीं। इसी तरह जब इंसान मरता है हर चीज यहीं पे छोड़ के जाते हैं, यहां तक कि रात को जो बनियान पहनता है ना वो भी उतारी जाती है। यहां तेरा कुछ भी नहीं था, ये जिस्म भी छोड़ के जाता है जमीन से, क्योंकि जिस्म कहां से बना था, जमीन से बना था, नुतफा अलका मुद्गा ये सारी चीज जमीन से बनी थी, जमीन से बना था, इस जिस्म में एक चीज बाहर से आई थी। अब सुनना मौला अली का जुमला, मौला फरमाते अगर जिंदगी में सुकून चाहते हो मतलब खाक पर भी बैठो तो सुकून, बेहतरीन बिस्तर पर भी हो तो फिर भी सुकून। पच्चे पांचवे इमाम का एक सहाबी था, इमाम ने उससे कहा बता तेरे लिए जिंदगी कैसी है, बूढ़ा हो गया वो 80-90 साल का, तो वो कहा कि मौला अब जिंदगी में वो दिन आए कि मुझे सेहत से ज्यादा बीमारी अच्छी लगती है, हयात से ज्यादा मौत अच्छी लगती है, अमीरी से ज्यादा फकीरी अच्छी लगती है। अब वो समझ रहा था मैं बहुत मारिफत के बुलंदियों में पहुंच चुका हूं। कहा कि मौला आपके लिए जिंदगी कैसी है, मेरे पांच मिनट कहा हम तुम्हारी तरह नहीं सोचते। कहा मौला किस तरह सोचते हैं, कहा अगर उसे सेहत पसंद है तो हमें सेहत पसंद है, अगर उसे बीमारी पसंद है तो हमें बीमारी पसंद है, अगर उसे फकीरी पसंद है तो हमें फकीरी पसंद है, अगर उसे अमीरी पसंद है तो हमें अमीरी पसंद है,
अगर उसे हयात पसंद है तो हम हयात पे राजी हैं, अगर वो मौत पे राजी है तो हम भी शहादत पे राजी हैं। मतलब हमारा कुछ भी नहीं है, सब कुछ पर हम उसके आशिक हैं। अब जो मशहूर को पसंद हो मुझे वही पसंद है। तीन जुमले मौला के आपने जिंदगी में सुने होंगे लेकिन इस पर शायद गौर न किया हो। फरमा तीन चीजों का इल्म अगर बंदे के पास आ जाए उसकी जिंदगी में सुकून आ जाता है। कौन सी तीन चीज? अलिम मिन ऐना फी ऐना इला ऐना। तीन चीजों का इल्म रख ले कि कहां से आया है, कहां पे रह रहा है और इसे कहां जाना है। पूरे मजमे में कितने लोगों को पता है हम कहां से आए कि मौलाना हमें तो याद भी नहीं है। याद न रहना और वैसे आपको मां की गोद भी याद नहीं है लेकिन आप थे तो सही मां की गोद में। आपको याद ये भी नहीं कि 9 महीना मां के पेट में थे लेकिन आप थे तो सही ना मां के पेट में। पर मैं एक चीज ये जानने में कहां से आया हूं, क्यों कहां से आया हूं, क्योंकि कुरान में कहता है इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। तुम मेरी तरफ से आए हो, मतलब किसकी तरफ से? अल्लाह की तरफ से। और मेरी तरफ पलट के आओगे। अब जब मौला फरमाते तीन पेट से इंसान गुजर के आखिरत में आता है, पहला पेट मां का, दूसरा पेट दुनिया का, तीसरा पेट आलम बरज़ख। पहली बात हमारे मराहिल कितने, हम कहां कहां से गुजर के जाएंगे। पहला मरहला आलम जबरूत का जहां से हम दुनिया की तरफ नाजिल हुए, दूसरा मरहला 9 महीना मां के पेट का, तीसरा मरहला दुनिया के पेट का, चौथा मरहला आलम बरज़ख का, पांचवां मरहला कयामत का, छठा मरहला हयात अबदी का। अब कयामत के वक्त कितना मिकदार हूँ 50,000 सनन, एक दिन कयामत का 50,000 साल के बराबर है। लेकिन जिस बरज़ख में जाऊंगा वो बरज़ख कैसे? मोमिन के लिए मौत का तस्वुर है ही नहीं। हम एक पेट से निकल के दूसरे पेट में जाते हैं। ये यास और मायूसी क्यों आती है बुढ़ापे में? अक्सर लोगों को बुढ़ापे में देखता हूँ आंखों में मायूसी आ जाती है। भाई क्यों मायूस हो? मरने वाले, दुनिया से जाने वाले हैं, अब इसे पता ही नहीं कि तू जा नहीं रहा, तू वहां जाके अगला जन्म ले रहा है। जिस तरह 9 महीने मां के पेट में पला, इसी तरह 60 साल दुनिया के पेट में पला। अब उसके बाद तू कहां पैदा होगा? आलम बरज़ख में पैदा होगा। मासूम फरमाते जब तू दुनिया में पैदा होता है, आज तक आपने देखा है जब बच्चा पैदा हो उसका बाप रोता हुआ नजर आए, उसके रिश्तेदार रोते हुए नजर आए। जब खातून की डिलीवरी होती है तो रिश्तेदार हॉस्पिटल में खड़े हो जाते हैं, भाई बच्चे की पैदाइश हो रही है। कोई फ्रूट लेकर आता है, कोई मिठाई लेकर आता है, सारे खुश होते हैं। हालांकि सबको पता है माँ को तकलीफ होने वाली है। और जब बच्चा भी आता है वो इतना खुश नहीं होता, वो रो रहा होता है। वो कहता है मैं दुनिया में आया क्यों, मैं माँ के पेट से निकला क्यों? अल्लाह कहता है मैंने उसे वहां करार रखा था ना, बड़े सुकून में बैठा था। इसी तरह हम दुनिया में बड़े सुकून से बैठे, जब यहां से निकाले जाएंगे बिल्कुल उसी बच्चे की तरह रोते हैं जब वो बच्चा माँ के पेट से बाहर आता है। वो कहते मैं बड़े करार में बड़े सुकून से सोया हुआ था, अचानक दुनिया में आ गया। अब दुनिया की तुंदी बर्दाश्त नहीं करता, यहाँ की रोशनी उसकी आंखों को बर्दाश्त नहीं होती, यहाँ की गर्मी वो बदन को बर्दाश्त नहीं कर पाता, लिहाजा दुनिया में आता वो रोता है। लेकिन उसका बाप नहीं रोता, उसकी माँ नहीं रोती, उसके रिश्तेदार नहीं रोते, वो उसे वेलकम करने के लिए सीने से लगाने के लिए आते हैं। मौला फरमाते हैं बिल्कुल इसी तरह जब अली वाला दुनिया के पेट से निकल कर आलम बरज़ख में पैदा होता है, अली और आले अली उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। पेट से निकल के दूसरे पेट में जाता है, तभी फरमाया मन यमुत यरनी। क्या मतलब मन यमुत यरनी? अनाब अली अबाबा हाजिल उम्मा। ये जो तुम्हारे मां बाप हैं ये तुम्हारे जिस्मों के बाप हैं, रूहों के नहीं हैं। वा नफखतु मिन रूही, तुझे रूह मोहम्मद से नफखा मिला है। हर बंदे की उल्फत है मोहम्मद और आले मोहम्मद से, चाहे किसी भी मकतब से हो, किसी भी मजहब से हो, वो पहचान नहीं पाता, दुश्मन हो जाता है। लेकिन जातन जब वो दुनिया से जाएगा वो तो कहेगा मैंने तो अपने माँ बाप से दुश्मनी की थी। मोहम्मद और आले मोहम्मद, अली और हसन, रसूल खुदा और मौला अली, अब अबा हाजिल उम्मा है। जिस रूह से हमारी रूहें बनी हैं वो रूह मोहम्मद और आले मोहम्मद है। उस रूह अव्वल से नफ़ख़ा इलाही मिला। अब माँ के पेट में दो चीजें गई, एक पहले ये जानो फी ऐन है, तुम कहां हो, ये अगर समझ में आ गया तो तुम्हें आलम बरज़ख भी समझ में आ जाएगा। मां के पेट में एक चीज गई दुनिया से, एक गर्म पानी का कतरा,
जिसे नुतफा बोला जाता है, वो बाप की कमर से निकलकर शिकम मादर में गया। वो नुतफा कहां से बना? दुनिया से बना था। वो कहां की मखलूक थी? दुनिया की मखलूक थी। ये नुतफा मुस्का बना, अलका बना, यहां तक कि गोश्त रोजा बना। जब 4 महीना कंप्लीट हुआ, इसमें रूह फूंकी गई जो तू है। कहां से आया? आलम जबरूत से आया। अल्लाह ने तुझे नाजिल किया, नाजिल किया, नाजिल किया, नाजिल किया, यहां तक कि शिकमे मादर में तुझे फूंक दिया। अब वहां पे बड़ा क्या हो रहा है? जिस्म हो रहा है या रूह? शिकम में क्या बड़ा हो रहा है? जिस्म बड़ा, रूह तो बड़ी नहीं, रूह तो बड़ी नहीं होती। जब हम कहते हैं मौलाना आई एम 60 years old, आई एम 35 years, आप नहीं हो। ये जिस्म 35 का है, जिस्म 60 years का है, रूह की तो कोई एज नहीं होती, अनलिमिटेड है, उसकी परवाज अनलिमिटेड है। अब आपको महसूस कराना चाहता हूं ताकि आप महसूस करें कि आप यहां की मखलूक नहीं हो, वहां की मखलूक। सबसे पहली गलती जो मुसलमान कर रहे, काफर तो करे उससे कोई मसला नहीं है, काफर से पूछोगे इन तुम कौन हो, कहेगा मैं यही हूं जो देख रहे हो, ये हाथ पांव, ये चेहरा, ये आंखें, ये ज़बान, मैं। लिहाजा क्योंकि उसने अपनी हकीकत किसको समझा? जिस्म को समझा। वो 24 घंटा मेहनत किसके लिए करता है? जिस्म के लिए। क्योंकि वो समझता है कि मैं जिस्म हूं, खाना जिस्म के लिए, बिस्तर जिस्म के लिए, गाड़ी जिस्म के लिए, बीवी जिस्म के लिए, सारे मजे किसके लिए? जिस्म के लिए। 24 घंटा उसको यही फिक्र होती है जिस्म को कौन सा मजा दिलाना है, फौरन यस करता, यस मैन होता है जिस्म के लिए। मौला अली हंसते थे, रसूल खुदा की तरफ गुजर रहे थे, किसी ने कहा यार रसूल कितना अच्छा गधा है इसका मरकब, कितना अच्छा है। नबी ने कहा तू गधे को देख रहा है, मैं सवार को देख रहा हूं, सवार कितना अच्छा है। आज हमारी ये हालत है, जो गधा अल्लाह ने खिदमत के लिए लिया है, उस गधे की खिदमत के लिए हम लग गए। जिस्म आया था रूह की खिदमत के लिए, लेकिन 24 घंटा हम किसकी खिदमत कर रहे हैं? जिस्म की। यस मैन बने हुए हैं जिस्म के लिए, रूह की परवाह ही नहीं। कल्ला इकरा फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। अल्लाह ने मजबूरी में ये 5 वक्त की नमाज वाजिब की, पूरे साल में 1 महीना का रोजे रखो, क्योंकि अल्लाह को पता था अगर ये भी नहीं करूंगा ये जिस्म को अपने रूह को भूखा छोड़ देगा, ये गजा ही नहीं देगा। इमाम हुसैन अगर करबला न जाते, ये 10 दिन की गजा किसको मिलनी थी? ये मजालिस किसको मिलनी थी? सैयदा ज़ैनब अगर करबला न जाती, ये इल्म, ये दीन, ये तबलीग हमें कभी नहीं मिलनी थी। ये अहले बैत ने अपने जिस्मों को कुर्बान किया ताकि तुम्हारी रूह को गजा मिले। वल्ला अगर तशय्यो से करबला निकाल दो, मुहर्रम और सफर निकाल दो, शरीयत में कुछ बचता ही नहीं, इस्लाम में कुछ नहीं बचता। यही मजलिसें हैं जो इंसान की रूह को गजा देती हैं, फिर एक धक्का लगता है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नमाज में मजा, नमाज में कैसे मजा आएगा तुम्हें, क्योंकि जिस्म तुम्हारा तुझे राजी नहीं होता, उसको पसंद नहीं तू नमाज पढ़, जिस्म को पसंद नहीं तू रोजा रखे। रोजा रूह की गजा है, जिस्म की गजा नहीं है। एक बंदा मस्जिद में सोया हुआ था और रमजान के महीने में शिद्दत की गर्मी, ऊंधा सोया हुआ था और आसमान को देख रहा है, खुदा तुझे क्या मिलता है मुझे भूखा रखने में, प्यासा रखने में, तू तो ऊपर बैठा हुआ है, मुझे क्यों भूखा मार रहा है। अब उसका फलसफा ही पेट की खिदमत है, अल्लाह तुझे भूखा नहीं रख रहा, अल्लाह तेरी रूह को गजा दे रहा है, क्योंकि रूह को रूहानी गजा चाहिए। अब क्योंकि तुमने इतनी जिस्म की खिदमत की, जिस्म बन गया सुस्त, जिस्म बन गया निकम्मा, अब इसको पसंद ही नहीं इबादत करना। लिहाजा करबला में आपको जिस्म कुर्बान होता हुआ नजर आता है, रूह परवाज करती नजर आता है, क्योंकि जिस्म की वैल्यू नहीं, ये जमीन से बना है, इसकी कोई वैल्यू नहीं। तो पहले ये जान लो, शिकम मादर में 2 चीजें गई, एक नुतफा गया दुनिया से, एक रूह आई आलम बरज़ख से। ये फलसफा क्लियर कर दो कि तू जिस्म नहीं है, तू रूह है, तू जिस्म की खिदमत के लिए नहीं आया, तू रूह को पावरफुल बनाने आया है। अब महसूस कराना चाहता हूं आपको, एक मिसाल देके और दलील देकर साबित कराना चाहता हूं कि आप दुनिया की मखलूक नहीं हो, आप कहीं और से आए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर।
इमाम बारगाह में ये टॉपिक में पढ़ नहीं सकता, तो मैं सोच के यहाँ पढ़ता हूँ। ये तवक्को रखे कि यहाँ पढ़े लिखे लोग आते हैं, कुछ इल्मी मजालिस लेने के लिए आते हैं। कई जगहों पे लोग नारेबाजी के लिए आते हैं। अब नारे तो आपने बहुत सुन लिए, लेकिन इंसान को पता ही ना हो कि मैं बना क्यों, मैं दुनिया में आया क्यों। एक वाज़ह तरीन मिसाल आपको दे रहा हूँ, मसीही क्रिश्चन हिंदू किसी को भी पकड़ लें और उसे ये मिसाल दें और उसको बोलें कि 10 मिनट के लिए बैठ के सोचो, जवाब उसको खुद ब खुद आ जाएगा। हर इंसान के वजूद में एक फितरत है, कौन सी? काफर मोमिन मुशरिक, इमाम वली इमाम का दुश्मन, यानी एक तरफ अहले बैत को रखो दूसरी तरफ दुश्मनान अहले बैत को। ख्वाहिश एक ही मिलेगी, कौन सी ख्वाहिश? हर इंसान अनलिमिटेड को पसंद करता है। मिसाल बच्चा है, इसके पास नौकरी नहीं, कहा मौलाना कहीं जॉब वॉब दिला दीजिए। अच्छा कितनी तनख्वाह? 50,000-40,000 इनफ। अच्छा चलो नौकरी दिला दे। 4 महीने गुजरे, 6 महीने गुजरे, साल गुजरा, कहा मौलाना 50,000 में गुजारा नहीं होता। अच्छा कितनी महंगाई होगी मौलाना, बिजली महंगी हो गई, 1,00,000 तो होनी चाहिए। चलो 1,00,000 मिल गई। 1 साल गुजरेगा, कहेगा मौलाना 1,00,000 में गुजारा नहीं होता। ये इसका कसूर नहीं है, नेचर सबकी ऐसी है। मौलवी हो उसकी भी नेचर ही है, गैर मौलवी उसकी नेचर ही है, मुश्तहिद भी हो उसकी नेचर ही है, आप एहजत भी होंगे उसकी नेचर यही है। अनलिमिटेड को हर बंदा पसंद करता है। ये दुनिया में वैरायटी आप देख रहे हैं, आईफोन आ गया, फिर 13, फिर 14, ये रुकेगा ही नहीं, रुकने का नाम ही नहीं लेगा। गाड़ी का एक मॉडल, अगले साल नया मॉडल, फिर नया मॉडल, फिर नया मॉडल। कपड़े देखोगे नया फैशन, नया फैशन, नया फैशन, रुकने का नाम ही नहीं लेगा, क्योंकि आपकी नेचर में आप कभी नहीं रुकोगे, आप हमेशा नई सी नई चीज बनाते जाओगे, क्योंकि आपको अनलिमिटेड चाहिए, आप एक जगह पे रुकने वाले हो ही नहीं। ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा। आप क्या समझते हो आपके अकाउंट में 20 करोड़ हो जाए आप राजी आ जाओ, हो जाओ? नहीं, जिनके 20 होते हैं वो कहते 40, जिनके 40 वो कहते 60। आज तक कोई सियासतदान देखा है राजी नजर आए? आज तक कोई हुक्मरान देखा है राजी नजर आए? भाई अमरीका के पास आधी दुनिया उसके कंट्रोल में, अगर अमेरिकन प्रेसिडेंट से पूछोगे इनफ, कहेगा नहीं पूरी चाहिए, और अल्लाह कहे मैंने पूरी दुनिया तुझे दी, कहेगा नहीं मरीख पे भी घर बनाना है, चांद पे भी सोसाइटी बनानी है, कहां तक तू जाएगा? रुकता नहीं है। आज तक साइंसदान रुके, यूनिवर्सिटीज रुकी, सब्जेक्ट रुके, थीसिस रुके, रिसर्च रुकी, इल्म रुका नहीं, ब्यूटी रुकी है। कहां जाने का मौलाना? दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह, कहां जाओगे? कश्मीर जाओगे, स्विट्जरलैंड जाओगे, घूम के आता? कहता नहीं, और हुसन देखना है, और हुसन तलाश करना है। खूबसूरत से खूबसूरत मोबाइल बनाता, कहता नहीं इससे खूबसूरत बना, अच्छे से अच्छे खाने बनाता, कहता नहीं और कुक, और डिजाइन, और खाना। एक ही मुर्गी उस बेचारे को कितने किस्मों में बनाते हैं, रुकता नहीं इंसान। आज रोस्ट करके बनाते हैं, सालन करके बनाते हैं, इस तरह बनाते हैं, रुकने का नाम इंसान है। एक जगह पे इंसान स्टॉप नहीं करता। अब मौला अली की प्यारी हदीस सुनिएगा, मौला फरमाते जब सुफरे पर बैठो तो मुतअद्दिद खाने न रखा करो, बस एक सुफरे पे 10 ताम 15 ताम न रखा करो। कहा मौला क्यों? हर इंसान को पसंद है मैक्सिमम ताम, मछली भी हो, मुर्गी भी हो, कोरमा भी हो, ये हो, सारी चीजें सुफरे पर हो। कहा हाँ दिल तो करता लेकिन रखूं नहीं। कहा क्यों? का देखो जब ऐसे सुफरे से उठोगे ना तुम्हारा सुकून खत्म हो जाएगा। अब आपको प्रैक्टिकल मिसाल दूं, जिन लोगों ने आजमाया भी होगा। भाई कराची में एक मसलन होटल खुली, उसने कहा भाई 6,000 दो या 10,000 पर पर्सन और 30 आइटम हमारे पास। अब हर बंदा लालच है, फितरत है ना इंसान, इसे कम कम पे ये राजी नहीं होता, इससे ज्यादा से ज्यादा चाहिए। शादी कर ले कहेगा दूसरी, दूसरी कहेगा तीसरी। ये तो अल्लाह ने लिमिट लगाई 4 पे, वरना अरब तो अनलिमिटेड थे ना, 10-10 बीवियां 9-9 बीवियां। वो कहते इस्लाम ने जुल्म किया 4 शादियां क्यों? तो अल्लाह ने तो रहमत की 4 पे ब्रेक लगाया, वरना ऐसे नबी थे जिनकी 9-9 बीवियां थी। हजरत मूसा जाए पीछे चले जाए, ये तो अल्लाह ने मिनिमम किया अरब के माश को। अरब चीखते थे कि रसूल खुदा ने 4 पे हमें महदूद क्यों किया है। फितरत इंसान ये अनलिमिटेड को पसंद करता है, इसे लामहदूदियत पसंद। 90 साल का हो जाएगा मौलाना कोई ऐसी दुआ है 110 का हो जाऊं? दूसरी नेचर,
अपनी बूढ़ी दादी के पास जाओगे, नानी के पास जाओगे, अब आपकी एज है 40 साल 50 साल, कहेंगे बेटा 100 साल जी, 100 साल जिंदा रहो। बंदा खुश होता है कि दादी अम्मा ने 100 साल की दुआ दी, मैं कितना बेवकूफ हूँ, कुछ भी पता, यह दुआ लगने वाली नहीं है। मैंने एक मजलिस में जुमला कहा, मजमा मुझसे नाराज हो गया, मौलवी बद्दुआ दे रहा है मैं। तो मैंने कहा कितने लोग, 500-600 लोग, मैंने कहा एवरेज निकालते हैं एज आपकी क्या होगी, 30 से 40 25 से 50। तो मैंने कहा इंशाल्लाह 100 साल के बाद तुम सब मर जाओ। कहा मौलवी बद्दुआ दे रहा है, मैंने तो दुआ दी है, तो 30 को प्लस करो 100 से कितना हो गया, 130। आप सबको बता भी मौलाना सही कह रहे हैं, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि आपको अनलिमिटेड पसंद है, लिमिटेड किसी को पसंद नहीं। अब बोला कि जुमले पे गौर करना। अब आप ऐसे होटल में चले गए, पहली बात जो होटल वाला बिजनेस कर रहा है वो पागल तो नहीं है? आपको 6,000 में 7,000 में 40 आइटम खिला दे, उसको अल्लाह ने सेंस दिया है, उसे पता है जब ये फैमिली लेकर आएगा उसमें कोई छोटा बच्चा होगा, कोई बड़ा होगा, कोई खातून होगी, कोई मर्द होगा, मोटा, एक दो मोटे होंगे, कितना खा लेंगे ना, पेट में अल्लाह ने कितनी जगह रखी, लिमिटेड पेट है ना, 400 ग्राम 300 ग्राम, बहुत ज्यादा खा ले बंदा 1,000 ग्राम 2,000 ग्राम खाना खा लेगा, लेकिन कोई बच्चा आएगा, कोई छोटा आएगा, वो इतना नहीं खा पाएगा, तो हिसाब किताब वही क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। लेकिन कंडीशन आपकी क्या होती है, ऐसे होटल से जब बाहर, रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हो। हम एक मरतबा फैमिली के साथ गए थे, तो हमारे कजन वगैरह जो थे जो बाहर निकले, कह रहे इतने दाम थे खा ना पाए, कस्टर्ड रह गया, मछली रह गई, रोस्ट रह गया। क्यों हसरत रहती है? क्योंकि मौला अली को पता है जो खाने पड़े हैं वो अनलिमिटेड हैं, मेरा पेट लिमिटेड है। जब तू ऐसे सुफरे पर बैठेगा, हिर्स लेकर उठेगा, क्योंकि खा नहीं पाएगा, तमन्ना वहीं की वहीं बाकी रहेगी, दिल में कहेगा एक आज सारे खा लेता, क्योंकि तेरा दिल था कि तू सारे खा नहीं पाए, लेकिन तू खा नहीं पाएगा, क्योंकि अल्लाह ने तुझे जिस्म क्या दिया है, लिमिटेड दिया है, लेकिन तेरी ख्वाहिश क्या है, अनलिमिटेड है। तो अगर तेरी हकीकत जिस्म होती तो तेरी ख्वाहिश भी लिमिटेड होती। जब तेरी ख्वाहिश अनलिमिटेड है तो इसका मतलब तेरी हकीकत जिस्म नहीं है, तेरी हकीकत तेरी रूह है, क्योंकि रूह भी अनलिमिटेड है। अब बोला फरमाते पूरी दुनिया ढूंढ ले, छान मार, तुझे दुनिया में कभी भी अनलिमिटेड मिलने वाली चीज मिलेगी नहीं, लेकिन तेरे अंदर तमन्ना है अनलिमिटेड। तू ऐसे हुस्न को पसंद करता है जो बे इंतहा हसीन हो, तू ऐसे पावर को पसंद करता है जो बे इंतहा पावरफुल हो। कितना भी माल मिल जाए तो राजी नहीं होता, औलाद मिल जाए तो राजी नहीं होता, क्योंकि तेरे अंदर ख्वाहिश अनलिमिटेड की है। अब जुमला सुनना, अगर पाकिस्तानी को बोला जाए आम क्या होता है, इसे पता है कि आम का जायका क्या होता है, लेकिन कोई ऐसा बंदा जिसने जिंदगी में आम खाया ही नहीं है उसे क्या पता कि आम का जायका क्या होता है। जायका वही जानता है जो पहले चख चुका है। भाई ईरानी से पूछो कि कराची का कोई खाना, उनसे पूछ लीजिए आप कि मसलन कढ़ी क्या होती है, ईरानी को क्या पता कढ़ी क्या होती है, अरब को क्या पता कढ़ी क्या होती है, लेकिन किसी कराची वाले से पूछोगे फौरन समझ जाएगा कढ़ी होती क्या है। तो अगर तुम्हारे अंदर किसी चीज की ख्वाहिश है तो किसी अनलिमिटेड के पीछे, किसी ऐसी वजूद की तलाश में, किसी ऐसे हुस्न की तलाश में है जिसके मिलने के बाद तुझे सुकून मिल जाए, किसी ऐसी ताकत की तलाश में है जिसके मिलने के बाद तुझे सुकून मिल जाए, यकीनन तू उससे पहले मिल चुका है। अब यहां मौला फरमाते हैं तू जहां से आया है तो खुदा से मिल के आया है, जब यहां आता है तो खुदा से जुदा हो जाता है, जब उससे जुदा होता है पूरी जिंदगी उस खुदा की तलाश रहता है। तो मौत जुदाई का नाम नहीं है, रब से मिलने का नाम है। तब जाके बंदा सुकून लेता है जब उसे मौत आती है, क्योंकि दुनिया में से वो सुकून कभी नहीं मिलेगा, कि दुनिया महदूद है, यहां का पावर, यहां का मजा, यहां की लज्जतें महदूद हैं। खूबसूरत से खूबसूरत मुल्क चले जाओ, एक महीने के बाद बोर हो जाओगे, अमीर से अमीर कर बन जाओ, वो दौलत तुझे मजा नहीं देगी, वो घर मजा नहीं देगा, बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ी ले लो, 2 महीने के बाद वो गाड़ी नहीं चलाओगे, बोर हो जाओगे, हसीन से हसीन खातून तुझे मिल जाए, 6 महीने के बाद उसके साथ तुम्हारा दिल नहीं लगेगा, क्योंकि दुनिया में दिल लगता ही नहीं है, क्योंकि रूह दुनिया के लिए बनी ही नहीं है,
रूह परवरदिगार आलम की आशिक है, जब इसे खुदा मिलता है तो आवाज आती है वल्लाह खुद तो रब्बिल काबा, खुदा की कसम अली आज कामयाब हुए क्योंकि उस दिन अली खुदा की मुलाकात के लिए जा रहे थे। चीज नोट करिएगा, आपको हमेशा अनलिमिटेड पसंद है, ला महदूद के आप आशिक हो, आप हयात मिल जाए हमेशा के लिए जिंदा रहो, ऐसी दौलत मिल जाए कभी खत्म ही ना हो, मौलाना ऐसा एटीएम मिल जाए पैसे निकालते जाएं लेकिन पैसे खत्म देने का नाम न ले, ऐसी लज्जत मिल जाए। आप देखते हैं ना दुनिया में जितने भी शहवत के असबाब हैं, अंग्रेज किस चीज के पीछे होते हैं, शराब क्यों पीते हैं, सैटरडे संडे नाइट उनकी दो रातें होती हैं मजे के लिए, सैटरडे और संडे। मोमिन मजा कहां लेता है, मोमिन इश्कबाजी कहां करता है, मोमिन अय्याशी कहां करता है, मोमिन की अय्याशी दुआए कुमैल है, मोमिन ऐश लेता है मजलिसे हुसैन में, यहां रूह का मजा लेने आता है, ये इश्कबाजी करता है अपने परवरदिगार आलम के साथ, इसे मुसल्ले में मजा आता है, लेकिन उसे कहां मजा आता है, शराब पीने में मजा आता है, जिना में मजा आता है। अब क्योंकि वो मजा लिमिटेड है, मेडिसिन बनाई जाती है उसको अनलिमिटेड बनाने के लिए, मुख्तलिफ चीजों के पीछे होता है, ये चीज मेरी अनलिमिटेड होने वाली नहीं है, कायनात के हर मजे को खुदा ने लिमिटेड रखा क्योंकि दुनिया लिमिटेड है। ये दिन रात क्यों हो रहा है, ताकि समझो दिन भी लिमिटेड है, रात भी लिमिटेड है, लम्हे लिमिटेड है, जिंदगी लिमिटेड है, पावर लिमिटेड है, किसी भी चीज को दुनिया में उरूज नहीं है। आज मुशर्रफ का हाल देखिए, बिस्तर पर लेटा हुआ है, कहां गया उसका पावर, कहां गई उसकी ताकत, कहां है जियाउलत, कहां है हुक्मरान, कहां है नवाज शरीफ, सारे पावर आप देख रहे खत्म हो चुके हैं क्योंकि दुनिया लिमिटेड है। कोई ऐसा अमीर बताइए जो हमेशा अमीर रहा, कोई ऐसा गरीब बताइए जो हमेशा गरीब रहा, दुनिया लिमिटेड है। तो अगर ये सोच क्रिश्चियन वाली आपकी सोच है कि हम दुनिया में आए दुनिया बनाने के लिए, अदम इत्मीनान में रहोगे, सुकून तुम्हारे नहीं होगा, चले जाओ ओल्ड हाउसेस में, यूरोप चले जाए ओल्ड हाउसेस में, ये बूढ़े क्रिश्चियन देखे सारे डिप्रेशन के मरीज हैं, बीमारियों में मुबतला है क्योंकि जिंदगी एंड तक पहुंच गई, अब कहते कुछ भी नहीं, जिंदगी सामने ब्लैक है, कोई उम्मीद नहीं, कोई हदफ नहीं, कोई एम नहीं, कोई मकसद नहीं, कमा लिया खा लिया पी लिया, अब सामने देख रहे मौत द एंड। लेकिन मासूम फरमाते हैं मोमिन जैसे जैसे बूढ़ा होता है वैसे वैसे खुश होता है क्योंकि ये नया जन्म देने वाला होता है, ये दुनिया के पेट से निकलकर आलम बरज़ख में जाता है और इसे पता है बरज़ख में अल्लाह की मुलाकात होती है और वहां जब ये पैदा होगा अली की ताले की ज्यादात होगी, इसके महबूब वहां पे खड़े होंगे। तो अगर ये नीयत लेके इंसान दुनिया में चले, हम जखीरा क्यों करते हैं, माल को क्यों रोक के रखते हैं, क्योंकि हम समझते हैं दुनिया को बका है ना, अल्लज़ी जमअ मालहु अददह, कुरान की इतनी सख्त आयतें हैं, जिसने माल जमा किया फिर और बनाया फिर और बनाया, अल्लाह कहते हैं ऐसे बंदों को मैं जहन्नुम की ईंधन बना दूं क्योंकि उसने खिलकत का मकसद ही तबाह बर्बाद कर दिया, मैंने तुझे माल जमा करने के लिए नहीं, माल लो किसके लिए, जिंदगी की आसाइशें रहो, लेकिन ये माल जमा करने के लिए नहीं है, तुम जखीरा अंदोजी के लिए दुनिया में नहीं आए, मतलब तुम्हारा ये तसव्वुर ही नहीं है आलम बरज़ख का, यहां की नेमतों को वहां की नेमतों में बदलो, यहां के आजा वहां के आजा के लिए बनाने के लिए आए हैं। कल ये मैं फिर बताऊंगा, मौला फरमाते आलम बरज़ख में वो कौन से लोग हैं जो दूल्हे लंगड़े पर अंधे पैदा होंगे, नाकिसुल उज़्र पैदा होंगे, और वो कौन से लोग हैं जो सही सालम पैदा होंगे, जो आलम बरज़ख की नेमतों से इस्तफादा लेंगे। एक ईरान की सीरीज है, मैं कई सालों से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मसरूफियत की वजह से मैं बना नहीं पा रहा, उसमें उन लोगों के वाकयात हैं जो कोमा में गए और जिन्होंने वहां की कुछ झलकियां देखी आलम बरज़ख की। इमाम हुसैन ने शब आशूर जब चिराग बुझाया तो जिसे जाना है चला जाए, जिसको जाना था वो चला गया, कई लोग चले गए, मुखलिसीन बच गए। उस वक्त इमाम हुसैन ने उनको आलम बरज़ख दिखाया दो उंगलियों के दरमियान, क्योंकि जब आप बरज़ख देखते हो या उसका इल्म लेते हो आपके अंदर यकीन पैदा हो गया है कि कोई आलम है जिसके लिए मैं आया, ये 60 ईयर से जो कर रहा हूं वहां पे लेकर कायनात बना रहा हूं, अपना जिस्म बना रहा हूं, बाकी लज्जतों को क्रिएट कर रहा हूं, अपनी आंखों को बना रहा हूं, अपने कानों को बना रहा हूं, ऐसा ना हो वहां पे पैदा हो जाऊं आंखें ना हो तो अली की ज़ियारत कैसे होगी, कान ना हो तो अल्लाह की आवाज कैसे सुनूंगा, अगर माजूर पैदा होगा तो आलम बरज़ख की लज्जतों से इस्तफादा कैसे करूंगा।
तो अक्सर लोग, कुछ लोग जिनकी अरवाह निकली, सब ये कहते हैं कि हमने एक ब्लैक होल देखा, एक टनल देखा। ये अंग्रेजों के भी आप किससे सुनेंगे, वो भी यही कहते हैं कि हर मरने वाले की कैफियत सेम होती है। एक मोमिन ने कहा कि मौलाना क्या होता कि अल्लाह हमें मार पाना, ऐसे ही हमें ऊपर ले जाता। तो मैंने कहा नहीं, रूह का बदन से निकलना जरूरी है, क्योंकि बदन मुतनासिब है दुनिया के लिए, ये बना ही दुनिया के लिए। मिसाल के तौर पे आप एक कमीज बनाते हो पाकिस्तान की गर्मी और सर्दी के हिसाब से, अब वही कमीज लेकर कनाडा चले जाओ, मर जाओगे सर्दी से, और कनाडा के कपड़े लेकर आप सिपी चले जाओ तो गर्मी से मर जाओगे, क्योंकि मुतनासिब नहीं है। वहां की चीजें वहां के लिए, यहाँ की चीजें यहाँ के लिए। ये जिस्म बना दुनिया के लिए, यहाँ की लज्जतें ले, औलाद पैदा करे, खाना खाए, मेहनत करे, कमाए, लेकिन जो आलम बरज़ख का जिस्म है वो एक और जिस्म है। दूसरा, मिलियंस ऑफ ईयर बरज़ख यहाँ से दूर है, एक अलग ही जगह है, और वहां जाने के लिए, अब यहां से साइंसदान कहते हैं अगर हम यहां से सूरज पे जाना चाहें तो मिलियंस ऑफ ईयर लगेंगे सूरज तक पहुंचने में, तेज से तेज सफीना भी बनाया जाए मिलियंस लगेंगे, और उतनी स्पीड अगर उस जहाज और सफीने को दी जाए तो इंसान का जिस्म उस स्पीड को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। कहते अगर इतनी शिद्दत से, इतनी बड़ी स्पीड से, जो हम लाइट की स्पीड कहते हैं, अगर उस स्पीड में इंसान को जहाज में बिठाया जाए और इंसान आगे चला जाए, इसका जिस्म जर्रा जर्रा हो जाएगा, इसमें इतनी ताकत नहीं है। तो वो आलम जो मिलियंस ऑफ ईयर तुमसे दूर है, तभी हर मरने वाला यही कहता है कि मुझे कोई टनल नजर आता है। किसी को वो टनल ब्लैक नजर आता है, किसी को वो टनल व्हाइट नजर आता है। गुनहगारों के लिए वो ब्लैक होता है, जो नेक लोग हैं उनके लिए रोशन होता है, व्हाइट होता है। लेकिन सब यही कहते हैं कि हमें मसलन किसी को एक मिनट लगा, किसी को दो मिनट, किसी को चार मिनट लगे, लेकिन कहते हैं हम शिद्दत की स्पीड से ऊपर जा रहे थे, वो कौन जा रहा था, वो आपकी रूह जा रही थी। तो दुनिया से आलम बरज़ख में जाने के लिए रूह का बदन से जुदा होना जरूरी है, ताकि आप लाइट की स्पीड से आलम बरज़ख में पहुंच जाओ, और वहां पहुंच कर आले मोहम्मद की ज़ियारत आप सबको क्या हो नसीब हो। लोगों की जिनको फारसी आती है, यहाँ ट्रांसलेशन करके आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर भी बने हैं कि सबटाइटल आपकी लैंग्वेज में आ सकता है, आप सुन सकते हैं। ये जिंदगी पसंद जिंदगी एक बहुत अच्छा, लोगों की उसमें स्टोरीज हैं जिसके सुनने के बाद आपको काफ़ी सारी नॉलेज आ जाएगी, जो मौलाली समझाना चाहते हैं कि ये समझ जाओ तुम कहाँ पर हो और कहाँ जाने वाले हो। जब तक मुझे पता ना हो वहाँ किन असबाब की ज़रूरत है, तब तक वो सामान में तैयार नहीं होगा। यही अल्फाज दुआ रफ़ान हैं, यही अल्फाज इनके सजादियाँ, ऐ खुदा मेरा सामान है, सफ़र कम है, खाली हाथ अगर जाओगे तो वहाँ फकीर होंगे। यहाँ के अमीर ज़रूरी नहीं कि वहाँ भी अमीर हों, और यहाँ के फकीर ज़रूरी नहीं कि वहाँ भी फकीर हों। रसूल खुदा से पूछा, या रसूल अल्लाह जहन्नुम में अक्सरियत किन की होगी, तो फरमाया सियासतदानों की, हुक्मरानों की, अमीरों की, मालदारों की, अदाकार, एक्टर, एक्ट्रेसेस, यहाँ पे जो नाम पर लोग हैं ना मशहूर, फरमाया जन्नत में, कहा कि जन्नत में अक्सरियत किन लोगों की होगी, फरमाया जन्नत में अक्सरियत गरीबों की होगी। ये मसलन यहाँ गरीब हो तो वहां भी गरीब होगी। असल सिफतन इंसान सखी होना चाहिए, सिफतन इंसान गरीब होना चाहिए। ये रब की मुसीबत के लिए जुमला भी है, जब इमाम हुसैन अपनी बहन जैनब के पास आए, फरमाया बहन जैनब मुझे पीले रंग का कुर्ता दो, कहते अपनी अम्मा ज़हरा वाला कुर्ता पहना, फिर कहा कि पीले रंग का कुर्ता। बीबी जैनब ने कहा कि रोजा हुसैन ये कुर्ता क्यों पहन रहे हैं? इमाम हुसैन ने जुमला कहा, क्यों करीम है, करीम कभी भी किसी को खाली हाथ नहीं उठाता। मैं बहन जैनब मैं इमाम हूं, मैं जानता हूं कि ये जालिम तेरे लाशों को पामाल करेंगे, मेरे बदन से हर चीज उतार देंगे, मैं नहीं चाहता जो मेरे जिस्म को लूटने आए वो खाली हाथ, कम अज कम मेरे बदन में कुर्ता हो, कि उम्मा ज़हरा के कुर्ते की मां ने उसे फरा हुआ किया, कि लू
लूटने की नीयत से आ रहा है, वो हुसैन के बदन से खाली हाथ में आ रहा है। अब तसव्वुर करो, जो अपने दुश्मन को खाली हाथ न भेजे, क्या वो अपने सरदार को खाली हाथ भेजेगा? क्या लेके जाने वाले को खाली हाथ भेजेगा? कतन को खाली हाथ नहीं भेजेगा। मासूम फरमाते हैं, मांगने का हुनर फिर को खुदा कैसे अदा करता है? मजलिस मजलिस नहीं, रूह की खजा बनाना है। एक लम्हे में हजार साल का सफर कर सकते हो, एक लम्हे में हजार साल पीछे भी जा सकते हो। हुर की एक रात थी, जिसने हुर को एक रात में जन्नती बनाया, काजी शुरे के पास भी एक रात थी, उसी एक रात को उसने फैसला किया कि हुसैन वाजिब कत्ल है। एक रात में उसने जन्म का सफर तय किया, हुर ने एक रात में जन्नत का सफर तय किया। अल्लाह कहता है, जब तक जिंदा हो जन्नत तेरी दो उंगलियों के फासले पर है, जन्म भी दो उंगलियों के फासले पर है, बस ये तेरा डिसीजन है, तू जन्नत में जाना चाहता है। दस दिन दिल को आमादा करने का दिन है, दिल से निजात की कसाफतों को मिटाने का दिन है। और ये समझो कि तुम्हारी हकीकत तुम्हारी रूह है, दुनिया में बसने के लिए तो नहीं आए, अपनी आखिरत बसाने के लिए आया। जाहिर हम मुसीबत में कहते हैं इमाम हुसैन ने सब कुछ लुटा दिया, असल में हुसैन ने सब कुछ कमा लिया। करबला में जो मकाम इमाम हुसैन को मिला, अंबिया को मकाम नहीं मिला। अंबिया हर साल इमाम हुसैन को सलाम करने जाते थे, एक लम्हा नहीं कि मलाइक रोके, हर रोज हजारों की तादाद में मलाइक कब्र इमाम हुसैन पे हाजिर होते। और सिर्फ कब्र इमाम हुसैन के नहीं, जहां जहां जिक्र इमाम हुसैन होता है वहां वहां मलाइक नाजिल होते हैं। यहाँ रहमतों की बारिश, आंखों को देखने की सलाहियत नहीं, लेकिन खुदा पर्दे हटाए, आप हजारों की तादाद में अल्लाह के फरिश्तों को देखें। ये रब है आलम मादा का, आलम जबरूत के साथ, यहाँ से आपकी रूह अपने हकीकी मालिक से मिलती है, और वही मिला सकता है जिससे खुदा ने विलायत अता की है। ये बली की दरबार है, ये बली की महफिल है, इसी में छठे माँ फरमा गए। अभी जाकिर ने मसाइल पढ़े नहीं, पढ़ना चाहता है, तू रोया नहीं, रोना चाहता है, अगर तुम सब के सरों के पीछे मेरी काली जरा खड़ी हो जाती, तो तुम्हारे हाथ में दुआ करती है, ऐ खुदा ये मेरे हुसैन का जरा है, मैं जरा इससे राजी, तू भी इससे राजी हो जा। दिलों को करबला में कर चले, पहली मुहर्रम है, जिस्म कराची में है, तुलू को करबला की तरफ रवाना करें, और इस तरह इमाम हुसैन को सलाम करें जिस तरह करबला में से ज़ैनब ने सलाम किया।
छोटी बहन उसे क्या पता
Na 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 na
جاؤ گا، شفاعت امام حسین نصیب کرنا، تمہارے لیے